ऐसे प्रभाव रहता है। अब हम लोग विचार के कभी भागवत सुने, एक बार यदि सुन गया, एक बार लग जाए बाहर। देखो ये शास्त्र दो तरह से भगवान में लगाता है, एक तो पीटता है, नहीं भजन करेगा तो नरक जाना पड़ेगा, एक प्रलोभन देता है, भजन करेगा तो तुझे धन मिलेगा, बेटा बेटी मिलेंगे, ऐसा प्रलोभन देता है। किसी तरह शास्त्र का काम है जीव को भगवान में लगाना। तो आपने अब भागवत कथा करा, तो कथा कैसे सुनना चाहिए? अब एक अध्याय में नियम है भागवत सुनने का, कैसे कथा सुनना चाहिए? यदि किसी को कथा सुनने की इच्छा है तो दैवज्ञम तु समा हुई है, किसी पंडित के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि कोई मुहूर्त देख लो। सकामी है कामना से यदि भागवत सुनना है तो मुहूर्त देखना है, यदि निष्कामी है भगवत प्रीति के लिए सुनना है तो दीना नाम नियमो नास्ति जत्र श्रवणम, कभी भी सुन सकते। कथा कहने के पूर्व लिखा गया है कि दो आदमी को विशेष निमंत्रण देना चाहिए कथा में, एक स्त्री को और एक शूद्र। भागवत में लिखा गया है दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्यो तकीर्तना, जो कथा और कीर्तन से बहुत दूर पड़ गए हैं, स्त्रिया शूद्रा द्वयोश्चैव, स्त्री और शूद्र कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं, तो उनको प्रयत्न पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए कथा। कैसे बुलाना चाहिए ये भी लिखा गया, चिट्ठी लिखना चाहिए, दूर में चिट्ठी लिखना चाहिए, चिट्ठी लिखना चाहिए कि अपूर्व रस की वृष्टि हमारे घर पर हो रही है, बड़े बड़े महत्पुरुषों का समागम हो रहा है, भवंतस्य तथा शीघ्रम आयातः प्रेम तत्परः, आप लोग बड़ा शीघ्र आ जाए इस कथा रस में। कहां कथा सुने तो सबसे अच्छा है कथा मथुरा में सुनने से, मथुरा मंडल द्वारिका में गंगा जी के तट पर तीर्थ में ये कथा सुनने की स्थल बताए। और नहीं तो गृहे भी घर पर भी तीर्थे वापी बने वापी गृहेवा श्रवणम मतम, कहीं भी कथा सुन सकते हैं। रोज जहां कथा होती है उसको गोबर से लिपना चाहिए, आज तो गोबर लिपते नहीं, मार्बल बना लिए लोग ऐसे, लेकिन गैया का गोबर रोज लिपे, शोधन करे, विशाल वसुधा हो, रोज केला का थंभ लगावे, आम का पल्लव लगाए, खूब सुंदर ऐसा गीत इत्यादि सुंदर ऐसा लगे कि भागवत कथा में आने पर लगे कि गोलोक में आ गए, दिव्य वातावरण, फल पुष्प चारों तरफ लगाए, ध्वजारोपण करे, ऐसा भावना करे कि देव एक तरह देवता लोग बैठे हुए हैं, सप्तर्षि लोग बैठे हुए हैं, वक्ता का मुंह यदि उत्तर दिशा की हो तो श्रोता का मुंह पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। अच्छा अब कथा किससे कराए ये भी नियम लिखा गया, आज तो स्त्रियां भी कथा कहने लग गई, खबरदार स्त्री से कथा के लिए मनाए बात स्ट्रिक्टली मनाए। वक्ता कौन होना चाहिए तो इसमें बताते हैं, विरक्त, यदि घर गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति को कथा में बैठा दो तो बीच बीच में पैसा मांगेगा, आज रुक्मणी विवाह है तो आज ये लाओ, तो आज ये लाओ, खबरदार गृहस्थों से कथा के लिए मना किया गया, क्योंकि रस की निष्पत्ति हटा दी, इसमें जो वैराग्य की बात वो कहे गए। तो कथा कहने का अधिकारी कौन है तो विरक्त, वैष्णव, विप्रो, ये तीन है। पहला तो विरक्त होना चाहिए, दूसरा वैष्णव होना चाहिए, और तीसरा विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। वक्ता कार्तोट वेद शास्त्र विशुद्ध करे, फिर कहते हैं दृष्टांत कुशलो धीर, दृष्टांत देने में कुशल, और वक्ता कार्जोत निष्प्रिय, वक्ता को कैसा होना चाहिए कि तो निष्प्रिय होना चाहिए, तो कथा के बाद उठे देखे कि कुछ भी चढ़ावा ना चढ़े तो उदास हो जाए, ऐसा वक्ता नहीं लगता क्या हो गया। एक वक्ता कथा कह रहे थे तो कहते कहते सब लोग रो रहे थे,
तो एक श्रोता पूछा, महाराज सब रो रहे हैं, आप तो रो नहीं रहे हैं। तो मैं तो उतने समय जब दक्षिणा नहीं देखूंगा तब तो आंख से आंसू आएगा। तो भागवत में लिखा गया है कार्यो वक्ता कार्यो ते निष्प्रिय। वक्ता कहना कैसा होना चाहिए, तो निष्प्रिय। भागवत के बदले में उसको चाहे कुछ चाहना, अरे महाराज ये भागवत में लिखा गया है वक्ता को श्रोताओं से प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए, धन्य है आप लोग हमारी बाड़ी को कृष्ण कथा में लगा है, ये कितना बड़ा सुअवसर मिला है। वक्ता का बाड़ी ठाकुर जी की लीला कथा कह रहा है, इससे अधिक तो कोई लाभ नहीं। लाभ की किचु हरि भगति समाना, ये तो लाभ मिल गया। और उस लाभ को फेंक करके, भगवत कथा को फेंक करके, गुंजा गहनी परस मनी खोई, भगवत कथा को बेच दिया, 2 रुपया ले लिया, तो बड़ा भारी अपमान हो गया। फिर कहते हैं वैसे लोगों को वक्ता नहीं बनाना चाहिए जो अनेक धर्म विभ्रांता। देखो भाई ये वैष्णव का धन है, कहीं अद्वैतवादी के पल्ले पड़ गया भागवत तो केवल अद्वैत मत का ही प्रचार करेगा, ये वैष्णव का धन है। पाखंडियों का यह धन नहीं। ऐसे लोग यदि पंडित भी हो, विद्वान भी हो, तो कहते हैं त्याजस्ते यदि पंडिता, यदि विद्वान भी हो तो उसको वक्ता नहीं बनाना चाहिए। वक्ता को कथा के पूर्व छौर कर लेना चाहिए, वक्ता छौरम कर्तव्य, श्रोता को भी छौर कर लेना चाहिए, संकल्प लेकर के भागवत कथा सुने। और भागवत कथा में आवे तो हाथ जोड़ करके भागवत भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ हम संसार सागर में गिर गया, हे करुणा निधे आप कृपा करके हमको संसार से निकाल। कर्म मोह गृहितांगम मां मुद्वर भवार्णवा, हम संसार सागर में पड़ गया। इस प्रकार रोज आवे और भागवत की एक एक दिन, विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जो विष्णु दीक्षा से विहीन है वो कथा सुनने का भी अधिकारी नहीं। खास करके जो दरिद्र है, क्षय रोगी है, अभागा है, पापी है, वैसे लोग यदि श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करता है तो कुछ ही क्षण में महाराज उसका सब कुछ पाप दूर हो जाता है। ये भागवत भगवान श्री हरि का विग्रह है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि पहला और दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का, पहला और दूसरा स्कंद भगवान विष्णु का दोनों चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद जांघा है, पांचवा स्कंद उदर है, छठवां हृदय है, सातवां और आठवां भुजा है, नौवां कंठ है, दसवां मुख है, 11 ललाट है और 12वां मस्तक है। ये गौतमी तंत्र में श्रीमद् भागवत के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस भागवत के पास जो भी आया सबकी महाराज यहाँ पर इच्छा पूरी की गई, जो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत ठाकुर को सबसे प्यारा है, सबसे प्रिय है। कृष्ण प्रेयम सकल कल्मष नाशनम च, ये कृष्ण को प्रिय है, समस्त कल्मष को नाश करने वाला है। अरे महाराज भगवत भक्तों का विहार स्थली है, भक्त लोग कहाँ विहार करते हैं, भागवत में। इसीलिए संत महात्मा बड़े आदर के साथ इस भागवत रस का पान करते रहते हैं। अब सूत जी कहते हैं यह भागवत की महिमा गाते हुए कहते हैं, महाराज बड़ा गोपनीय है यह भागवत, भगवान शंकर अपने हृदय में रखते हैं, अपने पत्नी को भी नहीं, बहुत गुप्त विषय है भागवत। इति च परम गोह्यम सर्व सिद्धांत सेदम, परम गोपनीय रहस्य है, समस्त सिद्धांतों का समावेश श्रीमद् भागवत। महाराज सपदि निगदितम तम शास्त्र पुंजम विलोक्य, हम लोगों को अब भागवत मिल गया है,
अरे महाराज तो सभी पुराण पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, तब पता चलेगा ये भागवत क्या है। हम लोग को ऐसे मिल गया तो हम लोग तो कुछ देखे नहीं, लेकिन वेद पढ़ा है उसको पता चलता है भागवत क्या है। यहाँ तक कहते हैं जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्तिके चित। सुख शास्त्र से निर्मल इस जगत में कुछ है ही नहीं, इसलिए पीब पीब भागवत को सुनना नहीं है, क्या करना है पीना है, सुन करके निकालना नहीं, पी जाना, अंदर ले जाना। पीब परम सुख है तो द्वादश स्कंद सार, इसको पान करना। देखिए भागवत की तीन परंपरा है, ब्रह्मा शेष और शंकर, ये तीन तरह से आया है। पहले भागवत को सुनाए भगवान शंकर किसको, पार्वती। ब्रह्मा ने सुनाया नारद को और भगवान शेष ने सुनाया शंकरादि, ये तीन परंपरा। ये निगुरा वालों को भागवत नहीं मारा है। मैं बहुत ऐसा श्लोक दिखा दूंगा कि रेहल पर रखकर हिंदी की टीका पढ़ते रह जाओ, समझ में नहीं आएगा जब तक गुरु जी उसका रहस्य नहीं बताए। बहुत ऐसा श्लोक है, आप हिंदी पढ़ लो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए गुरुमुखी है ये भागवत। नारायण ने अपने बेटा ब्रह्मा को पढ़ाया, ब्रह्मा ने अपने बेटा नारद को पढ़ाया, नारद ने अपने चेला व्यास को पढ़ाया, व्यास ने अपने बेटा सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने सुत जी को और महाराज परीक्षित को सुनाया। ये परंपरा। नारायण कौन है तो अंतर जाओ, और ब्रह्मा क्या है तो अंतःकरण, नारद क्या है तो मन है, व्यास क्या है तो वाणी है, और सुखदेव जी क्या है तो शब्द है। ये भागवत की परंपरा है। कैसे आया? अंतर्जामी से अंतःकरण में आया, अंतःकरण से फिर संकल्प में आया, मन में आया, मन के बाद व्यास वाणी में आए, और इसके बाद सुखदेव, सुखदेव शब्द के रूप में प्रकट। आज श्रीमद् भागवत की जो मंगला चरण है बड़ा विलक्षण है। इस मंगला चरण में 139 माने 139 टीका है, केवल एक श्लोक जन्माद्यश सत्यम परम धीमहि। जिसने इस जगत की सृष्टि किया, पालन किया, संहार कर रहा है वो कौन है? स्वराट है, अपने आप में पूर्ण है। इस ज्ञान को किसको दिया तो साक्षात नारायण ने ब्रह्मा को दिया। जिन भगवान के विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, यह संसार को बनाया कैसा तो भगवान ने मिट्टी पानी अग्नि मिलाकर के बना दिया, वो भगवान रहते कहाँ हैं तो अपने ध्यान में रहते हैं, अपने तेज से माया छाया को निरस्त करते रहते हैं, उनका नाम क्या है तो सत्यम परम धीम, वो सत्यात्मक सत्य स्वरूप। सत्यम शताम हित परम उत्कृष्टम निर्गुणम भक्ति जोगम धीमहि, मैं भगवान को ध्यान करता हूँ। अब बता रहे हैं कि ये भागवत का अधिकारी कौन है, कि भागवत किसको सुनना चाहिए। तो देखो धन दौलत बेटा बेटी संपत्ति की इच्छा वालों को कथा कहने का अधिकार है, सुनने का। ये भागवत केवल भगवत प्रेम के लिए, इसी भागवत को पढ़कर रूप गोस्वामी ने प्रेम संपुट लिख दिया, उज्जवल नीलमणि लिख दिया, इसी भागवत को पढ़कर। तुम्हारा ये भागवत केवल प्रेम देने वाला धर्म है। प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, कहते हैं इसमें प्रोचित कैतव धर्म। अरे महाराज जो मुक्त होना चाहता है खबरदार उसको भी भागवत नहीं पढ़ना चाहिए। जो धन दौलत के लिए भागवत पढ़ता है उसकी तो बात दूर है, जो मुक्ति की इच्छा करता है वह भी भागवत का अधिकारी नहीं। इसमें कहते हैं प्रोजित कई तो वोत्र,
अरे वह धर्म कैसा धर्म, तो कपट वाला धर्म। धर्म में कपट क्या है तो गिरिराज जी का तो परिक्रमा करता है, इच्छा क्या रहता है तो संसार की, तो कपटी कपट। भगवत प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी इच्छा है तो कपटी रोजित। यहाँ तक कि श्रीधर स्वामी तो कहते हैं कि प्रोजित कैतव प्रशब्देन मोक्षाति संधि निरस्ता। मोक्ष की भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो खबरदार भागवत मत पढ़ना। चैतन्य चरितामृत में तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं अज्ञान तो मेरे नाम कहिए कैतव, और उसमें भी धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ है सब कपट है, इसके लिए भागवत नहीं करना है। यहां तक कहते हैं तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। धार्मिक लोग खबरदार तुझे धर्म करना है तो अन्य पुराण पढ़ लेना, बहुत धर्म का वर्णन किया इसमें, तो धर्म को भी त्याग रहा है। गोपियां अपने सकाम धर्म को त्याग करके आई है तब भागवत सुनने को मिला है। गीता में भगवान कह दिए बस सब धर्म को छोड़ दो। ये भागवत ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि ये धार्मिकों वालों का भी नहीं। यदि किसी को मोक्ष की इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा है, धन की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, भागवत में हाथ मत लगा। ये भागवत केवल भगवत प्रेम के लिए। अब प्रेम क्या होता है केवल किशोरी जानती है और कोई जानता है? कितना भी लेक्चर दे दो प्रेम का अर्थ ही होता है राधा। राधा का नाम क्या है? राधा का अर्थ ही होता है महाराज। व्यास का ही नाम है राधा, जो हमेशा कृष्ण रस के लिए तड़प रही है उसी का नाम है राधा। परम धर्म का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। फिर कहते निर्मत शराणाम शताम, इसका अधिकारी कौन है? तो निर्मत सर, जो दूसरों के उत्कर्ष को देख करके जलता रहता है उसको कथा कहने का अधिकार है न सुनने का अधिकार। इसमें वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। वास्तव वस्तु मन प्रेम शिव तापो त्रयोन मूलनम, तीनों तापों को उखाड़ फेंकने वाला है। इसीलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वरः। इसीलिए साक्षात नारायण ने इस भागवत का आविष्कार किया है। तुम्हारे सुनने से कुछ फायदा होगा तो कहते हाँ सद्य हृदय वरुद्य तेत्र कृतवि। अच्छा भाई भागवत सुनने से भगवान बंधन में आ जाते अवरुद्ध हो जाते। यदि कोई यहाँ भागवत सुनने लगता है तो भगवान गोलोक से खींचा जाते हैं। जाते कहाँ है तो भक्त के हृदय। भगवान आते हैं और जाते हैं, कथा सुन रहा है तो भगवान प्रविष्ट कर्ण रंधेन, कान के भीड़ से भगवान अंदर घुस जाते हैं। अंदर देखते हैं कि काम है, क्रोध है, लोभ है, तो भगवान मन में विचार करते हैं यार जब हमको बुला दिया है तो अपने से साफ कर लो। तो भगवान स्वयं भक्त के हृदय में बैठ करके काम क्रोधादि दोषों को हटा देते। ये भागवत सुनने के बाद होता है तो कहते ना ना सत्य हृदय वरुद्य तेत कृतवि, सुनने की इच्छा हुई और भगवान आए। ये भागवत सबकी इच्छा पूरा कर देता है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, ये भागवत क्या है? निकम कल नितराम गमयति इति निगमः वेदः। इस भागवत के पास जो भी आया, चारों संप्रदाय के लोग आए, कोई इससे विशिष्टाद्वैत दूह लिया, कोई इसने द्वैताद्वैत, कोई ने शुद्धाद्वैत, गौड़ीय संप्रदाय ने अचिंत भेदा भेद तत्व, जो जो महापुरुष जो जो सिद्धांत चाह सबको ये भागवत अपना सिद्धांत दे दिया। महाराज एक आदमी आया कुछ इच्छा ही नहीं कर, भागवत कहे कि तुझको क्या चाहिए, तो हमें कुछ इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो भगवत दर्शन की भी इच्छा नहीं, तरह उसकी इच्छा है तो दे देना, हम तो केवल भजन करें भगवत, कुछ भी इच्छा।
तो भागवत कहता है हमारे पास आकर भी तुम्हें कोई इच्छा नहीं, कुछ इच्छा हमको कल भागवत की इच्छा था। तो भागवत प्रभु ही उसके पीछे पड़ता, तब तक भागवत को देखता है सुख मुखाद मृत संयुक्त, इस भागवत रूपी फल में सुख रूप सुख पक्षी ने चोंच मार दिया है, चोंच मारने के कारण भागवत अति मधुर हुआ है। ये भागवत क्या है तो कहते हैं रसम है, रस है, फल है। तो फल तो महाराज पिया नहीं जाता है, तो कहते हैं एक ऐसा फल है जिसमें छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं। मानी इस भागवत का एक भी स्कंद, एक भी अध्याय, एक भी प्रकरण, एक भी श्लोक, एक भी पद, एक भी अक्षर त्याज नहीं, इसमें छिलका नहीं, नहीं इसमें गुठली है। भागवत का प्रत्येक सब, प्रत्येक पद, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंद महाराज जुड़ा हुआ है, मणिमाला कोई खंडित नहीं। तुम्हारा कब तक पिए तो कहते हैं जब तक जीवो तब तक पियो। फिर कहते हैं आलयम, तुम्हारा लय हो जाए, मुक्ति हो जाए तब भी पियो। अरे ब्रह्म होने के बाद निराकार ब्रह्म में चला गया फिर भी जन्म लो कर मुक्त्वा भी ली लिया विग्रहम कृत्वा, मुक्तात्मा भी शरीर धारण करके श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। मुंह रहो बार बार केव, क्योंकि ये भागवत वैकुंठ में नहीं, स्वर्ग लोक में नहीं, सत्य लोक में नहीं, भूमि, भूमि का अर्थ होता है इस पृथ्वी पर ही सुलभ है। यदि देवताओं की इच्छा होती है कि मैं भागवत सुने तो ये देवता लोग कहाँ आते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। मुंह रहो रसिका, अरे रसिको भूमि इस पृथ्वी पर ही सुलभ है इसलिए पियो। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः, स्वर्ग में नहीं है, सत्य लोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है, कहाँ तक कहो वैकुंठे नास्ति अयम रसः, अयम रसः वैकुंठे अपि नास्ति, अतः पिबंतु, अरे भाग्यशाली जीवो तुम लोगों को भागवत मिला है पियो पियो, कब तक पियो तो मुंह रखो बार बार, अरे भाव का पढ़ पीते रहो। महाराज अब कथानक बता रहे हैं भागवत, ये भागवत की कथानक है। इस भागवत में तीन श्रोता और तीन वक्ता है, सुत सौनक। सुत जी सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो महाराज सौनकादिकों ने प्रश्न पूछता है, पूछे छह प्रश्न, छह प्रश्न इसलिए पूछे हैं कि भगवान खड़ेश्वर पूर्ण है, उसी तरह यह भागवत भी खड़ेश्वर पूर्ण है, छह प्रश्न इसलिए पूछे हैं। पहला प्रश्न यही है, पुंसा मेकां ततः श्रेय तन्न संशयितु मरह, ये पहला प्रश्न है भागवत का। महाराज को आप लोगों से पूछे कि भागवत का पहला प्रश्न क्या है तो तुरंत बता रहे, पहला प्रश्न है मनुष्यों का श्रेय क्या, कल्याण क्या, पुंसा मेकां ततः श्रेय तन्नम संशयितुम अर्हति, जीव का कल्याण किसमें, क्यों कल्याण काली के लिए पूछ रहे हैं कि मनुष्यों का उम्र बहुत कम है, प्राय अल्पायुष, हम लोग का उम्र कितना है किसी को पता नहीं। पुराण में कहा गया निकला हुआ सांस फिर आएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, निश्वास नहीं विश्वास हो कदार उद्धो भविष्य, अभी हम लोग हैं कब मर जाए कोई ठीक नहीं, इसलिए जब से पता चले तब से ही एक सेकेंड छोड़ो मत, भगवान में लग जाए। दूसरा प्रश्न है, सार चीज बताइएगा, बहुत कुछ मत बताना, जत सार भूतम तदुपासनीयम, समस्त वेद उपनिषदों का सार ही श्रीमद् भागवत। दूसरा प्रश्न है, अतः साधोत्र जत सारं समुद्रित मनीषया, आपने अपने बुद्धि से समस्त वेद पुराणों का सार जो निर्णय किया है वो हमको बताइए। तो पूछे कि क्यों मैं इतना मेहनत करके सार वस्तु को संग्रह किया तुमको क्यों सुनाओ, यदि प्रश्न पूछे तो कहते हैं कि ब्रूही न श्रद्धा धाना, हम श्रद्धालु हैं,
और आपके चरण में एक निष्ठ है, आप कृपा करके हमको बताए। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान देवकी के बेटा क्यों बने? देवक्या वसुदेवस्य जातो जस्य चिकित्सया, जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, वह ब्रह्म देवकी का बेटा क्यों बना? ये तीसरा प्रश्न है। फिर कहते हैं, हरि हरि, हाय हाय, कितनी दुख की बात है, लोगों को जब ठोकर लगता है तो क्या कहते, हाय हाय, हरि हरि क्यों नहीं कहते? यदि रास्ता में जाते समय कोई गंदा चीज स्पर्श हो जाए तो छी छी कहते हैं ना, राम राम क्यों नहीं कहते? अरे भाई, किसी भी तरह जीव से एक बार हरि या राम निकल गया तो तुम्हारा अनंत जन्म का पाप राशि जल कर आ गया। ये नाम आपन्न संस्थिन घोराम जन नाम विवसो ग्रीडन। देखो भाई, नाम की महिमा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में। कितना भी भयंकर विपत्ति में यदि कोई पड़ा हुआ है, विवस्ता पूर्वक यदि उसके जीव से एक बार भी राम राम निकल गया, एक बार हरि हरि एक बार निकल गया, तो ततः सद्यो विमोचेत जद विभेति स्वयं भयम्। कि नाम की महिमा है, दिवस नाम जा सुनर करही जनमय ने कर चित अधरई। दिवस्ता पूर्वक भी यदि कोई एक बार कृष्ण नाम ले, एक बार दिवस्ता पूर्वक, तो अनंत जन्म के अनंत पाप राशि जलकर भस्म हो जाता है। दिवसो नाम जा सुनर कर, जो महाराज प्रेम से 16 माला जप करता है, 1,00,000 नाम जप करता है, यहाँ तक कहते हैं कोई अनजान में राम कह दिया दिवस्ता पूर्वक, तो उसका अनंत जन्म के अनंत पाप राशि जल करके भस्म हो जाता है। अजो सादर सुनिरन जो नर करही, जो प्रेम से करता है वो तो प्रिया जी के चरण कमल को प्रेम प्राप्त कर लेता है, ऐसी कृपा है, नाम की महिमा है। इसलिए हे प्रभु, आप हमको कथा सुनाई, तो उन्होंने कहा कब तक सुनोगे भाई? दो बात है, जिस वस्तु को हम पा रहे हैं या तो पेट भर जाए या वस्तु समाप्त हो जाए, लेकिन न कथा समाप्त होगी न पेट कभी भरेगा, ये देख कथा की महिमा। इसलिए जाके श्रवण समुद्र समान, कथा कितना सुनना चाहिए तुम्हारा, कथा सुनने के लिए पृथ्वी महाराज ने 10,000 काल मांगा, खाते खाते तो पेट भर जाता है, लेकिन सुनते सुनते ऐसे, यदि कथा सुनते सुनते किसी का पेट भर गया, इसका मतलब वह कथा सुना ही नहीं। राम कथा जे सुनते भाई, रस विशेष जाना तीन नाई। राम कथा जे सुन तुम भाई, रस विशेष जाना तीन नाई। कथा सुनते सुनते जो कथा पेट भर गया, बहुत सुन लिया बहुत सुन लिया, इसका मतलब कथा सुन। कथा एक ऐसी समुद्र है महाराज, जो एक बार सुन ले तो सुनने की ललक बढ़ जाती। तो कहते हैं ब्रूही न श्रद्धा नाम लीलया ददतः कथा, प्रभु आप कृष्ण कथा सुनाइए, मैं कभी कथा से हटूंगा नहीं। वयम तुन वितृप्याम, यही कथा की महिमा है, कथा सुनने से तृप्ति होती नहीं बल्कि तृप्ति बढ़ जाती। जो कथा कभी नहीं सुनता है तो आएगा तुरंत भाग जाएगा, जो रोज नित्य कथा सुनता है वो भागेगा नहीं, सुनेगा, नियम है, क्योंकि भगवान का नाम वही ले सकता है जो नाम रटता है, भागवत की कथा वही सुनता है जो हमेशा सुनता है। अब कहते हैं कि ये कृष्ण बड़ा भारी कपटी है, कपटी है ना,
अति मर्त्यादि भगवान गुड्ढ कपट मानुष। ये कृष्ण है भगवान लेकिन अपने को सबको बताता है मनुष्य हूँ, मैं वसुदेव का लड़का हूँ, मैं देवकी का बेटा हूँ, लेकिन देवकी का बेटा है न वसुदेव का बेटा है, सबका बाप है, लेकिन दिखाता है कि मैं कपट मानुष। देखिए कितना भागवत में है, साल्व ने वसुदेव जी का गर्दन काट कर ला दिया और भगवान रथ से नीचे गिर करके रोने लगे, हाँ पिताजी ये कपट किए कि नहीं, वो जानते हैं वसुदेव को कोई नहीं मार सकता है, लेकिन साल्व ने नकली वसुदेव बनाकर उनका गर्दन काट कर कृष्ण के सामने रख दिया और कहा साल्व ने, अरे कृष्ण क्या कहता है, देख तुम्हारा बाप मर गया, और कृष्ण रोने लगे, ये कृष्ण कपटी है कि नहीं, वो जानते हैं, कृष्ण जानते हैं कि हमारे बाप को कोई मार नहीं सकता, लेकिन साल्व ने ऐसा किया, ये कपट मानुष। अति मर्त्यादि भगवान गुड्ढ कपट मानुष, मर्त्य रूप धारण करके भगवान ने कपटी मनुष्य का लीला की है, सर्व सामर्थवान होते हुए भी अज्ञ बालकों जैसा लीला की है। और छठवां प्रश्न है, कहते हैं हे प्रभु यह बतलाइए धर्म कह शरणम गतः, जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसके शरण में गए। देखिए इस छह अध्याय छह प्रश्न पर एक पूरा भागवती का, अब देखिए प्रश्न का उत्तर दे रहे, प्रश्न सुन करके सूत जी बड़ा प्रश्न, देखो भाई वक्ता का सबसे बड़ा पूजा अच्छा प्रश्न। एक बार मैं कथा कह रहा था तो कथा के बाद में पूछा कोई प्रश्न पूछो, तो उसने कहा कि इंदिरा गांधी के नाना का क्या नाम था, ये प्रश्न तो ये वक्ता का कितना भारी अपमान, वक्ता का प्रसन्नता भगवत विषय कथा सुनने। एक ने पूछा गणेश जी का गर्दन कहाँ गया, देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न पूछना है, श्री सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु से प्रश्न पूछते हम ही के नहीं हमारे जारे तात्र है, ये प्रश्न मैं कौन हूं, मुझको त्रिताप क्यों जला रहा है, ऐसा प्रश्न। इस प्रश्न को सुन करके महाप्रभु प्रसन्न हो गए। उसी तरह जब ये छह प्रश्न सूत को सौनकादिक ऋषियों ने पूछा तो प्रति पूज्य वचस्ते शाम प्रवक्तों चक्र में बड़ा प्रसन्न हुए सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी प्रसन्न होकर के उत्तर देना प्रारंभ कर, मनुष्यों का श्रेय क्या है, ये श्रेय का बताते, सवै पुंसाम करो धर्म जतो धर्मोर्धोक्षजे प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति, यही परम धर्म है, सबसे बड़ा मनुष्य का यही धर्म।